प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। एनटीपीसी कर रहा लोगों के साथ सौतेला व्यवहार, जर्जर सड़क पर लोग हो रहे एक्सीडेंट का शिकार। नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी ने किया सराहनीय काम, सफाई कर्मियों के साथ किया छठ घाट का निरीक्षण। सड़क हादसे में हुई 3 मजदूरों की मौत, पुलिस ने शवों को भेजा पोस्टमार्टम के लिए। शराब की बोतल में मिला मरा हुआ मेढक, मेढक मिलने से मचा हड़कंप। भगवान महावीर के निर्वाण स्थली भूमि पर आयोजन, अहिंसा पर्वों पर धर्म का दिया संदेश। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है बिहार की बड़ी खबरों का। खबर सहरसा से है, जहां सड़क हादसे में खलसुखा के 3 मजदूर भारी वाहन की चपेट में आ जाने से 3 मजदूरों की मौत हो गई, जिसके बाद सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मृतकों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बता दें कि मौत की खबर सुनते ही मृतकों के परिजनों में हड़कंप मच गया। घटना घटा, 3 लड़का मजदूर करने के लिए जो है इंदौर गया था, प्रीतमपुर नगर में जो पाली पलंग था, जिसका नाम है कारी पासवान और अरुण कुमार पासवान, बाबू साहब कुमार पासवान, जो कि दोनों घटना स्पॉट पर हुआ। बीच मोटरसाइकिल से फेंकाया कांग्रेस कुमार, जो हॉस्पिटल में भर्ती हुआ। 7 बजे में कॉल आया कि इसका भी मतलब मृत्यु हो गया। वहाँ इंदौर गले रहे, मजदूरी में करे रहे, वहाँ घर मकान के काम, पानी टंकी के काम करे रहे। उसके बाद काल जी घटना भेले है ना, एक अचानक 3 गो मिल के एक साइड से दूसर साइड पर जाए रहे, मोटरसाइकिल से जाए रहे। तो हमरा आर के वो तो घटना भेले, तब तो सूचना मिले हमरा के। मामला छे जे इंदौर में बचबा काम करे ले जाए रहे, वही दौरान में बस के अथी मार्शलिंग में दबा गए, मोटरसाइकिल से 3 को सवार हो गए काम करने। क्या नाम है आपके बेटे का? बाबू साहब पास में। खबर नालंदा से है, जहां जिले के अंतर्गत नूरसराय थाना क्षेत्र के पपर नौसा गांव में पैसों की लेन देन को लेकर 2 गुटों के बीच जमकर मारपीट हो गई। बता दें, मारपीट के दौरान गोली चल गई और गोली लगने से एक महिला समेत 2 लोगों को गोली लग गई, जिसके बाद घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल ले जाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने घायलों का गंभीर हालत को देखते हुए रेफर कर दिया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई। तो अखेर और मारा जा गोली? हाँ, दूसरा कोई से लड़ाई हला काहे लगी? अपने जाती है में हमारे भाटा वाला पैसा लेकर। ओ तो माने आप देखो, जब पूजा पर था लक्ष्मी जी, तो अपने हर एक किसी मार देनी रहता। कहाँ पर घटना? मुन्ना सिंह के बेटा, आओ बाबू सिंह के बेटा, आओ मुन्ना सिंह के बेटा, पिछवाड़े ने जाया गोलियां मार के भागे दिया। का कोई विवाद था क्या पहले से? अब कोई तो कोई विवाद नहीं लो सर। के मारा है मुन्ना सिंह का बेटा, मुन्ना सिंह का अबू सिंह का बेटा। अब हम बोले कोई चीज के भागे, बोले भाटा पर नहीं जाके सर, अपने बेटी की हस्ती करा के। खबर भागलपुर से है, जहां सिर्फ 1 मीटर की दूरी पर सड़कों में धरती आसमान का अंतर साफ देखा जा सकता है। जिस रास्ते पर कर्मचारी और अधिकारी चलते हैं, वह सड़क बिल्कुल सही है, जबकि इसके 1 मीटर दूर चारों तरफ के रास्ते यहां के आम जनमानस चलते हैं, वहां पर सड़क की हालत जर्जर हो चुकी है और इस वजह से लोग लगातार एक्सीडेंट का शिकार हो रहे हैं। ये आपके सामने बड़ी हैवी गाड़ियां इसी मुख्य सड़क से होकर के आती है, लेकिन
इनका रख रखाव और मेंटेनेंस के नाम पर साल दो साल में कभी चिप्पी मारने का काम हो जाता है, लेकिन अगर आप यहाँ से आगे बढ़ेंगे, यहाँ से सत्कार चौक तक जाएंगे, आपको कहीं भी 100 मीटर की कोई भी एक अच्छी चलने योग्य 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने योग्य गाड़ियां के लिए कोई भी सड़क का दर्शन नहीं हो पाएगा। ये हाल है कहलगांव एनटीपीसी प्रबंधन का, मैनेजमेंट का और यहां के एडमिनिस्ट्रेशन। खबर पश्चिम चंपारण बेतिया से है, जहां रामनगर प्रखंड के खटौरी पंचायत के खटौरी गार्ड वार्ड नंबर 9 में सोमवार की रात अचानक आग लगने से लगभग 4 घरों में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया, जिसके बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंची, तब तक सारा सामान जलकर राख हो चुका था। वहीं सीईओ को सूचना मिलते ही सीईओ ने मुआवजे देने की बात कही और कहा कि पीड़ित परिवार के खाते में 9800 रुपये की तत्काल अनुदान की राशि भेजी जाएगी। और मैं अपने ऑफिसर सीओ सर से विनोद मिश्रा जी से बात की हूँ, उन्होंने हमें बहुत अच्छा आश्वासन दिया और तत्काल त्वरित कार्यवाही करते हुए हमारे चारों घर के मतलब मुखिया को अकाउंट में पैसा कल क्रेडिट हो जाएगा और इस मुश्किल के घड़ी में सर का सहयोग के लिए भी उनको धन्यवाद। खबर पश्चिम चंपारण बेतिया से है, जहां नगर परिषद रामनगर के कार्यपालक पदाधिकारी ने सराहनीय व अच्छी पहल करते हुए रामनगर के सुप्रसिद्ध और मुख्य छठिया घाट पर अपने कार्यालय कर्मियों सफाई कर्मियों के साथ छठ घाट का निरीक्षण किया और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। इसके बाद लोगों से आगामी त्योहार शांतिपूर्वक मनाने की अपील की। रामनगर का सबसे बड़ा छठिया घाट पर पूरा श्रम के द्वारा सभी सम्मानित लोग, पुलिस पदाधिकारी, ब्लॉक स्टाफ और नगर कर्मी उपस्थित होकर के और बृहद सफाई कार्यक्रम किए, ताकि जो है छठवर्तियों को किसी तरह का दिक्कत नहीं हो, कोई कठिनाई नहीं हो। इसके मद्देनज़र सारे पदाधिकारियों ने झाड़ू उठाया और झाड़ू उठा करके पूरे छठ घाट की सफाई किया और मुझे विश्वास है कि छठ व्रतियों के लिए सब लोग जमा हो करके ऐसे ही उनके छठ व्रतियों का सहयोग करेंगे। मैं सदाकांत शुक्ला, ब्रांड एम्बेसडर, नगर परिषद। मोतिहारी में दुर्गा पूजा और दीपावली के सफल आयोजन के बाद अब जिला मुख्यालय मोतिहारी सहित पूरे जिले भर में आस्था का महापर्व छठ की तैयारी शुरू हो गई है और इसको लेकर जिला प्रशासन छठ महापर्व की तैयारी में जुट गई है। वहीं पूर्वी चंपारण जिला अधिकारी के निर्देश पर मोतिहारी नगर निगम अंतर्गत सभी छठ घाटों की साफ सफाई किया जा रहा है और मोतिहारी शहर के हृदय स्थली कही जाने वाली मोती झील के गायत्री नगर छठ घाट पर भी पानी की गहराइयों को देखते हुए छठ घाटों पर बैरिकेटिंग की गई और इसके साथ ही शहर के सभी छठ घाटों पर जिला प्रशासन मुस्तैदी से तैयारी में जुटा हुआ है। खबर मुजफ्फरपुर से है, जहां जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में कई जगहों पर आग लग गई और लाखों का सामान जलकर राख हो गया, जिसके बाद मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम ने पहुंचकर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया और समय रहते मामले को नियंत्रण में लिया। जिसके कारण आग की घटना बहुत ज़्यादा नहीं हुई, मात्र सब पूरे जिला में 4 से 5 जगह जो है सो ये फायर कॉल की सूचना प्राप्त हुई, जहां हमारा गाड़ी गया और हमारे स्टाफ गए। बाद बाकी कोई भी उसमें भी कोई भी घटना बहुत बड़ी नहीं, सब छोटी छोटी घटना थी। केवल एक मिठनपुरा में था, मिठनपुरा में एक MT गई, दो बड़ी वाहन गई वहाँ पे था और एक अहियापुर शहरी क्षेत्र में अहियापुर में आग लगी, जहाँ पर हमारा गाड़ी गया और उसको भी सौसमय बिना किसी क्षति का।
बिहार की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं।